नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। आपको बता दें, जिस तरीके से एक व्यक्ति से बाइक की लूट हो जाती है, उसका पर्स छीन लिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है और मौके पर डायल 112 जो है वो बुलाई गई है और जिस तरीके से इससे लूट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानीजनक, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के आसपास जो है ये लूट हो जाती है और अभी मौके पर डायल 112 पहुँची है व्यक्ति से जानकारी लेने के लिए कि क्या कुछ हुआ था। और अभी बताया जा रहा है तीन जो युवक थे, जो बदमाश थे तीन, वो बाइक की जो है लूट कर लेते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है व्यक्ति जो है काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर इस तरफ भागता है, क्योंकि ये रोज़ यहाँ से निकलता है। और अभी फ़िलहाल मौके पर उससे जानकारी लेते हुए जो कि थाने पर तो जाने के लिए जब आप तो मान लीजिए 7:30 बजे आपकी बाइक गई है, और यहाँ पर आपको बता दें लगातार जो है दो डायल 112 मौके पर पहुँची हैं और जिस तरीके से उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये 11 बज रहे हैं अब आप यहाँ वारदात होती है। ये तो उसके तो सर एक बार जानकारी लेना चाहेंगे, जिसमें सब आधार कार्ड पैन कार्ड सब उसमें ही था, ऊपर से भी पर्स ले गए जी, फोन भी ले गए, सारे कुछ ले गए इनके जी। परस तो आप जेब में डाल रहे होगा? नहीं, बंदूक लगाए, चाकू ले रहे हो, बता रहे क्या क्या ले रहे हैं सब निकाल, इसको चाकू बंदूक लगा दिए जी, डर के मारे बंदूक भी साथ। हाँ जी, बंदूक ले रहे थे, चाकू ले रहे थे। कितने आदमी थे? तीन बंदे थे जी, बाइक पे थे? हाँ जी, बाइक पे नहीं, पैदल थे जी बिल्कुल। वो दो बंदे पीछे थे जी, अच्छा। एक बंदा आ गया है, मेरे को हाथ दिया, मैंने सोचा आगे जाएगा, अच्छा। तो वो पूछने लगा कहाँ तक जाएगा, इतने में दोनों भाग के और सीधा मैं बंदूक लगा दी। कोई नहीं था जी, एक बूढ़े से बैठे थे जी यहाँ पे, बकरी वाले, तो मैं यहाँ से सीधा भागे भागे आगे गया जी, वो दूसरे के फोन से मैंने फोन किया जी, फिर आपसे मोटरसाइकिल छीन करके वो खुद उसके बाइक उसी पे बैठ के तीनों भागे, ब्लैक शर्ट पहने हुए जी, मास्क लगा रखा। चलो तो पैसे भी डाल रखे हो, टाइम भी तो देखो ना, या तो उसी टाइम होता मान ले 10-20 मिनट में जो कार्रवाई हो, अब तो यार कई घंटे की बात होगी, 4-5 घंटे पहले की वारदात है आपकी। 7:30 बजे आपकी बाइक चोरी हुई, 7:30 आपने मतलब 112 पे तो जब भी तो कॉल कर सको थे आप यार, अब आपने क्या टाइम आप कर इतनी देर में तो उतना मेरा वारदात करने वाला मेरा कहां पता नहीं, इतनी देर में तो सारा हरियाणा पार कर दे, दूसरी स्टेट में पहुंच जाए बंदा। सर क्या कुछ यूपी तो ये बिल्कुल ही नजर। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी मौके पे पहुंचे सर? जानकारी तो हमारे पास इवेंट आया था भाई, ऐसे ऐसे वहाँ बाइक छीन ली है, तो यहाँ आने के बाद अभी कॉलर से बात हुई है, ये बोल रहा है कि भाई मेरी तो 7:30 बजे सवेरे की वारदात है और इसने कॉल करी है अब 10:45-11 बजे, तो अब इससे पूछेंगे और जो भी बात हो। बता रहे हैं उनके पास देसी कट्टा था, बकायदा चाकू था, तीन लोग थे पैदल, कुछ बता रहे हैं अब बता दो, ये तो कॉलर तो यही बता रहा है जी कि बंदूक थी उनके पास, चाकू वगैरह दिखा कर मेरे से, मेरा पर्स भी ले गया और वो भी अपना बाइक भी ले गया। बता रहे हैं एक व्यक्ति ने, दो ने मास्क लगा रखा था, एक ने कुछ नहीं लगा रखा था, तो उसको पहचानते हैं ये। आप बता रहे हैं जी, तो ये आपके सामने ही बता रहा है ये, तो ये उनको पहचान लेगा, लेकिन ये तो नहीं पता ना थे कहाँ के को, ये तो उसी टाइम अगर कॉल करते जैसे ही पुलिस लेट हो गया, हाँ मौके पे तो फिर ये था ना भाई इधर उधर नाके वगैरह लगा देते तो क्या पता रास्ते में कहीं मिल जाए, लेकिन ये तो बात भी तो 4-5 घंटे पहले की है ना जी जी, तो चलो कोई नहीं, जैसी कार्रवाई होगी जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, फिलहाल डायल 112 मौके पे है और बता दें कि ये रास्ता इसी रास्ते की तरफ जो कि लड़के ने बताया ये दौड़ा, क्योंकि इसके हाथ में इसका टिफ़िन जो था वो फिलहाल उसके हाथ में एक टिफ़िन उसका रह गया था और टिफ़िन भी जो है वो छोड़कर यहीं पर भागा लेकर, और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई क्योंकि वो गोली भी चला सकते थे, हालाँकि उसमें गोली थी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई भी इंसान जो है इस तरीके से कोई भी हथियार देखकर डर जाता है। और ऐसे ही लोग जो हैं पहले भी लगभग कुछ दिन पहले ही एक और लूट भी ऐसे ही हुई थी मोटरसाइकिल की, जिस तरीके से उस बाइक को उस व्यक्ति से छीन लिया गया और लूट कर जो है बाइक को वो फरार हो गए, और ये लोग पैदल थे और बकायदा एक व्यक्ति ने पहले कहा कि आप कहाँ जाएंगे, और क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन उसके बाद दो लोग अचानक से दौड़ कर आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इस पर बंदूक तान कर जो है इससे बाइक छीनते हैं बकायदा इसका, क्योंकि इसने बताया कि इसकी गाड़ी के जो कागज़ थे, बाइक के कागज़ थे, वो भी
भी उसी पर्स के अंदर थे और बता रहे हैं काले रंग की अपाचे बाइक, जिसका नंबर जो है हम दोबारा भी जो है इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप कहीं पर भी देखते हैं तो आप जानकारी दे सकते हैं आई बिन 24 के ऊपर, आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं 9355800002 के ऊपर अगर आप देखें तो। और यहाँ पर फिलहाल जो है सारी जानकारी पुलिस लेती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं जो वारदातें मौके पर हुई है उसकी सारी जानकारी मौके के ऊपर लेती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये ज़रूर मौके पर हुआ कि सुबह व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल किया था लेकिन वो सही से बता नहीं पाया कि चोरी या लूट में क्या फ़र्क था, तो उसको लेकर जो है उसने चोरी बोला तो शायद उस वजह से लेट हो गया। और अभी डायल 112 मौके पर बुलाई है क्योंकि लगभग कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है इस व्यक्ति को फिलहाल जो कंप्लेंट है वो दर्ज करके आगे की तरफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको एक दोबारा मोटरसाइकिल का नंबर बताते हैं, मोटरसाइकिल का क्या नंबर है दोबारा बताओ। HR 91 2793। काले रंग की बाइक है? काले रंग की बाइक है। तो आपका क्या कुछ चोरी करके ले गए थे? वो मोबाइल, पर्स और बाइक तीनों लूट कर ले गए। तीनों लूट के ले गए। तो अभी मौके पर डायरेक्ट 112 पहुंची थी, क्या कुछ बात हुई है उनसे? वो तो बोले हैं जी आगे कार्रवाई कर रहे हैं, कंप्लेंट करवाने के लिए जा रहे हैं। कंप्लेंट कराने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? संजीव कुमार। हां जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल डायल 112 मौके पर आप देख सकते हैं दो गाड़ियाँ पहुँची हैं। हालांकि जो अब आगे कंप्लेंट जो है जो एरिया से लगता थाना है वहाँ पर की जाएगी। और आपको बता दें सेक्टर 32-33 थाने से भी पहुँची है पुलिस और बता रहे हैं CI की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है और अभी सारी जानकारी लेते हुए यहीं पर आप देख सकते हैं जो लड़के से सारी जानकारी ली जा रही है क्या कुछ किस तरीके से वारदात होती है। और ये भी अभी जानकारी इस लड़के ने दी कि तीनों लड़कों ने जो काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो अभी जानकारी उसने दी है वो तीनों लड़कों ने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल सारी जानकारी लेते हुए सेक्टर 32-33 थाने से पहुंची है पुलिस और उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सेक्टर 32-33 थाने से पुलिस आई, बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या जानकारी मिली थी यहाँ पहुँचे थे? अभी एक वीटी हुई थी कि एक बाइक स्नैच हुई है, तो ये लड़का था जो अपना नाम संजीव बता रहा था जी, जिसने बताया कि इससे कोई बाइक स्नैच हुई है इसकी अपाचे ब्लैक कलर की। जिस इन्फॉर्मेशन पे हम यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद पता चला कि इसने बताया कि 7:30 बजे इसके साथ जो वारदात हुई थी जी। अभी इससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो ले लिए, बाकी इसको रिटर्न कंप्लेंट के लिए बोल दिया, पुलिस स्टेशन जाके अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे देगा, उसके भी आप पे जो होगी बेस्ट कार्रवाई करेंगे। बता रहे हैं उनके पास देसी कट्टा था शायद, इसने बताया है और ये बता रहा है अपनी ये इन्फॉर्मेशन इसी ने बताई है, बाकी जो वेरीफाई होता वो इसकी कंप्लेंट के आधार पे करेंगे। फिलहाल एरिया को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, देखते हैं ये सदर का है या हमारा एरिया है, तो उसके भी आप पे इसको इन्फॉर्मेशन को आगे कलेक्ट करके इसकी कार्रवाई कर दीजिए। और लोगों से अपील करते हैं ध्यान रखें, घर से निकलते हैं इस तरीके की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बाकायदा लोगों से कहना चाहेंगे राह चलते लोगों को ऐसे लिफ्ट ना दें, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ यही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दिखने में किसी भी ऐसी हालत में लग रहा हो, अच्छे कपड़ों के अंदर भी लोग रोक लेते हैं और बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। उसमें महिलाएं भी होती हैं खास तौर पर जो लिफ्ट मांगती हैं मदद के बहाने, या रोकर, या मुझे कोई छेड़ रहा है, या मेरे पीछे कोई पड़ गया है, ऐसे कई तरीके लोग अपनाते हैं और उसके बाद एक बड़ी वारदात हो जाती है। तो आप लोगों से कहेंगे सचेत रहें, सतर्क रहें, जिस तरीके से भी घर से निकलते हैं ये समझ कर चलें कि ध्यान से जाना है, कहीं से भी जाना है, और कोशिश ये करें कि इस तरीके की वारदातों से बचने की। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।